राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम चुनाव के आज परिणाम आएंगे। 11 निगम और 133 निकायों की होगी मतगणना। 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद की भी मतगणना होगी। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना का सिलसिला जो है 9 बजे से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मत पत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी। तो सुबह 9 बजे से मतगणना का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मत पत्रों की गिनती होगी और उसके बाद जो है ईवीएम वोटों की गिनती की जाएगी। तो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म रहा है। प्रदेश में पहले चरण के लिए क्या हुए, 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषदों में ईवीएम में इन कैद प्रत्याशियों को किस्मत का फैसला होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत शर्मा, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आज मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर इंतजाम जो है वो मतगणना स्थल पर पुख्ता कर दिए गए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके बाद में स्ट्रांग रूम को जो है वो खोला जाएगा और उसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं पूर्व में, वो फौजिया शेख अलीम, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और 7 साल बाद देखिए नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, फौजिया शेख अलीम से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम, 7 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से 7 साल का लंबा इंतज़ार रहा, और हम को उम्मीद करेंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि रिजल्ट भी हमारे ही पक्ष में आए और संजय शुक्ला भैया महापौर के रूप में इंदौर शहर उन्हें चुनने वाली है। जिस तरह इंदौर शहर ने 15 साल भुगता है, कार्यकाल देखा है मैंने कि इंदौर के जो लोग थे वो महापौर को ढूंढते थे और महापौर कहीं नज़र नहीं आते थे। अभी आज अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर क्या आप व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं यहाँ की? इसके पहले भी कांग्रेस ने अपने मुद्दे उठाए थे, सीसीटीवी कैमरों को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ गया था। देखिए, बाहर का क्राउड तो अमूमन ऐसा ही होता है, अंदर जाने के बाद व्यवस्था में अगर कोई परेशानी आई तो हम बिल्कुल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं उनसे यहाँ पर नेता प्रतिपक्षी जो है फिलहाल संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। और जो यहाँ पर आप पहरा देख सकते हैं पुलिस का, वो यहाँ पर बिल्कुल चक चौबंद यहाँ पर किया गया है। अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो है चेकिंग वो यहाँ पर की जा रही है। और महापौर प्रत्याशी जो हैं वो संजय शुक्ला यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर मतगणना स्थल पर जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर बिना अनुमति के, अनुमति कार्ड के प्रवेश यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर चाक चौबंद हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महापौर प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वो इंदौर में है। इंदौर में 19 महापौर प्रत्याशी पदों पर उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो अलग अलग जो मशीनें हैं वो यहाँ पर निकाली जाएंगी। और दोपहर बाद ये क्लियर हुआ कि ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर व्यवस्थाओं से जो कांग्रेस हुए अभी तो यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल जो हैं कांग्रेस ने यहाँ पर खड़े किए थे। जी बिल्कुल, आप वहाँ से तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ हलचल चल रही है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और संजय शुक्ला से बात कर लेते हैं कि जो व्यवस्थाएं वो किस प्रकार की यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर बात करने के पहुँचे हुए हैं और लोगों से वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद संजय शुक्ला से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। जो बाहर का माहौल है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या व्यवस्थाएँ ठीक हैं यहाँ पे, चाक चौबंद है व्यवस्थाएँ? तक तो ठीक है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, आम आदमी पार्टी एंट्री मार पाएगी यहाँ पर? भाई, हमारी तो उम्मीद है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा।
तो देखिए उम्मीदें जो हैं वो यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, और बाहर का जो नज़ारा है वो देखिए, ये जो एक गेट है, ये एक गेट नंबर एक है जहाँ से मतगणना स्थल तक जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चेक जाँचने के बाद में अंदर जो है नेहरू स्टेडियम में एंट्री लोगों को दी जा रही है, और जो पोलिंग टेबलें लगाई गई हैं, 105 पोलिंग टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिन पर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उनसे मतगणना की जाएगी, और 95 टेबलों पर ईवीएम मशीन की मतगणना होगी, और बाकी की जो टेबल्स हैं उनके ऊपर डाक मत पत्रों से यहाँ पर गिनती की जाएगी। 8 हॉल बनाए गए हैं जिसके अंदर 6 हॉल जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन की काउंटिंग चलेगी, और 2 हॉलों के अंदर की अगर बात करें हम तो 2 हॉल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाक मत पत्रों की गिनती वहाँ पर की जाएगी। तो अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल हेमंत, आज देखिए काउंटिंग है और हर प्रत्याशी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद है। प्रत्याशियों की धड़कने तो तेज होंगी ही, और तो किस तरह से नजर बना रखी है प्रत्याशियों ने? देखिए बिल्कुल प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो अंदर जो मशीनें लगी हुई, जहाँ पर प्रत्येक जो मशीन है वो खोली जाएंगी, उसकी नज़र जो है प्रत्याशी अंदर के अलावा बाहर भी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर पाएगा, जहाँ पर एलईडी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, और जो टेबल का सीधा लाइव जो है वो सिर्फ उसी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, और उस स्क्रीन के माध्यम से जो यहाँ पर प्रत्याशियों के समर्थक जो बैठे हुए हैं वहाँ वो यहाँ पर मॉनिटर कर पाएंगे। लेकिन किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग या मोबाइल ले जाने की अनुमति भी वहाँ तक नहीं है। दावे आपत्ति पेश किए जा सकते हैं, उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग है वो मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन पारदर्शी चुनाव को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं जो वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर दावे किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी मतगणना में किसी को परेशानी नहीं आएगी। कांग्रेस ने प्रत्येक राउंड के जो परिणाम आने हैं उसके पत्र जो सर्टिफिकेट की मांग बिल्कुल हेमंत शर्मा हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं हम करण मिश्रा के पास पहुंचते हैं, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं करण मिश्रा। करण मिश्रा, आज इंतजार जो है निकाय चुनाव के रिजल्ट का खत्म हो रहा है, और सभी प्रत्याशियों का जो किस्मत है उस ईवीएम में कैद है, क्या कुछ माहौल ग्वालियर से हमें तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से काउंटिंग 9 बजे शुरू होगी, सबसे पहले डाक मत पत्र की होगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। हमारे साथ ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। सर ये किस तरह से पूरी, ये आज अभी स्ट्रांग रूम खुलेगा, फिर स्ट्रांग रूम खुलेगा, बैलेट पेपर की भी काउंटिंग होगी, और उसके बाद में फिर अभी ईवीएम की भी शुरू होगी, और 11 बजे तक पहला परिणाम आ जाने की, मतलब पहला रुझान या फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, और शाम तक मतगणना पूरी हो जाएगी। सर, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके उसके लिए क्या पूरी व्यवस्था? देखिए अभी हमने यहाँ पे मीडिया रूम बनाया है, एक रनर है, वो पूरी राउंड बार आप लोगों को टेबल देंगे, और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से सभी को जानकारी मिलेगी। क्योंकि शहर में कई स्थान संवेदनशील बनाए गए हैं, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करें किस तरह? पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस है, फोर्स है, सारे लोग लगे हुए। बिल्कुल, साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और इस लिहाज से इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जब 9:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी तो लगभग लगभग पहला जो रुझान जो है वो लगभग 11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, और उसके बाद चरण दर चरण जो है लगभग ये मान के चल रहा है कि अधिकतम 35 चरण के आधार पर देर शाम तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महापौर और पार्षदों की क्या स्थिति है। यदि मैं बीती नगर सरकार की यदि बात करता हूं तो बीती नगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 45 पार्षद थे, इसके अलावा 10 कांग्रेस के और 11 जो अन्य पार्षद थे। इस लिहाज से बीते 50 साल का अगर बिल्कुल करण मिश्रा, तो ईवीएम में कैद है जनता का फैसला, किसकी होगी जीत, किसकी हार, किसके सवेरेंगे भाग, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इंदौर से हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हुए, हमारे साथ हेमंत शर्मा के पास वापस चलते हैं। हेमंत, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, दिखाइए वहां की तस्वीरें, क्या कुछ माहौल है, क्या हलचल चल रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, यहाँ का जो माहौल है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों को और प्रत्याशियों को यहाँ से एंट्री दे दी गई है। अब वे अंदर जो टेबलें लगी हुई उन टेबलों पर पहुँच रहे हैं, उन टेबलों पर जो मशीनें सील की गई थी उन मशीनों की जो एंट्रीज़ हैं उनको मिलान वहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला यहाँ पर पहुँचे हैं और वो यहाँ की व्यवस्थाओं का जो जायज़ा है वो ले रहे हैं, देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम कैसे हैं। कई जगह मीडिया से भी चर्चा यहाँ पर
की जा रही है। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आते हैं उससे कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है वो तो संतुष्ट नजर आई हैं। अभी महापौर प्रत्याशी से कितने संतुष्ट नजर आते हैं ये देखने वाली बात होगी। पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा जो बयान है वो यहाँ पर दिया था कि 1.5 लाख मतों से विजय होने की यहाँ पर बात जो है वो बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा की गई है। उसी के साथ साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी वो भी अपनी विजय होने की घोषणा लगातार यहाँ पर करते आ रहे हैं। उसके पहले उन्होंने जो है भोज का एक बड़ा आयोजन किया गया था इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा था। तो देखिए आज मतगणना के अंदर दोपहर तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसके पक्ष में यहाँ पर शहर सरकार बन सकती है, किसके पक्ष में वोटिंग यहाँ पर ज़्यादा हुई है, वो सब चीज़ देखने वाली बातें हैं। लेकिन जो 85 वार्डों की अगर बात किया तो 85 वार्डों के अंदर प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर खड़े हुए थे, तो उनके निर्दलीय प्रत्याशियों की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल इमरान शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जो है इमरान खान जुड़ गए हैं खंडवा से। इमरान खान, आज जो है ईवीएम में कैद है जनता का फैसला और अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी होगी जीत। देखिए इमरान खान, हमेशा से मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी और कांग्रेस में सियासी लड़ाई होती देखी गई है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएमएम जैसी पार्टी भी मैदान में है। तो क्या कहा जाए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती है और लंबे अंतराल के साथ जो है ये दोनों ही राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी बीएसपी की बात करें या फिर एमआईएम की बात करें, दोनों ही राजनीतिक दलों को जो है ये दलों जो है टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है इनके भी जनसंपर्क जारी थे और लगातार जो है यहाँ पर भी इन्होंने समझदारी से चुनाव लड़ा था। खंडवा की मैं अगर बात करूँ तो खंडवा की मुख्य मुकाबला था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही लगभग होना चाहिए माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल जो है यहाँ पे दमदारी से चुनाव लड़ते दिखे थे। बात अगर मैं बीजेपी की करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने जनसभाएं की थी, वहीं कांग्रेस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है माहौल बनाने की कोशिश करी थी। अब इसका फायदा कितना मिलता है ये तो कुछ ही देर में जो है पता लग जाएगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में जो है मतगणना शुरू हो जाएंगी। आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है डाक मतपत्रों की गिनती की जाएंगी, उसके बाद जो है मशीनों की गिनती प्रारंभ होगी। आपको बता दूं कि खंडवा जिले में, खंडवा शहर में करीब 50 वार्ड है और 50 वार्डों की गिनती जो है होना है। बिल्कुल इमरान खान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप सब देख लेते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी अमृतांशी जोशी। अमृतांशी, क्या कुछ वहां का माहौल बताइए, तस्वीर आसपास में क्या हलचल चल रही है? यहाँ पर खास बात यह है कि लगातार जो है जो पार्षद प्रत्याशी उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया और यहाँ पर बीजेपी की महापौर प्रत्याशी जो मालती रहे वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं, किस्मत कैद है अंदर ईवीएम, मैम तो आज आएगा भोपाल के 8 महापौर और तो जैन से हमारे साथ ब्रिजेश मालवीय जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या कुछ वहां का माहौल बताइए, वहां की तस्वीरें। देखिए मैं इस समय इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा हूँ, यहाँ मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सुबह से ही जो अभ्यर्थी है या जो कर्मचारी है इससे जुड़े हुए वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा के यहाँ तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ हर आने वाले व्यक्ति की बारीकी से जाँच की जा रही है, सुरक्षा के पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह भी यहाँ पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे, उज्जैन कलेक्टर जो आशीष सिंह हैं वो यहाँ अभी पहुँचे हैं और इस यहाँ पर 8 बजे से मतपत्रों की जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए यहाँ पर 3 हॉल का इंतजाम किया गया है। एक हॉल में बिल्कुल प्रदीप मालवीय, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वापस हेमंत शर्मा के पास चलते हैं। हेमंत शर्मा, कब तक रुझान आने शुरू होंगे, तस्वीरें कब तक साफ हो जाएंगी? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, किस प्रकार की तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए तस्वीर साफ है,
जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। एक तरफ मैं और मेरे परिवार कार्यकर्ता लोग साथ में थे और एक तरफ पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को छोड़ के सब इंदौर में बड़े हुए थे। अरे 20 साल से आप मुख्यमंत्री भी, 20 10 साल से आपके प्रधानमंत्री भी, 20 30 साल से आपके संसद भी, 20 साल से आपका मेयर भी, पार्षद भी है। आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार करके इसको शहर का विकास नहीं किया, तो इतने लोग आने की जरूरत नहीं, आपको आना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री के सपनों का शहर होने के बाद उन्होंने क्या काम करा उसका उदाहरण सामने दिख जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने विकास करा है, भले वो पार्षद के रूप में कराओ या मतलब विधायक के रूप में कराओ। 30 साल पहले जो कॉलोनी वेद करे इंदौर के अंदर, उसके बाद आज तक कॉलोनी वेद क्यों नहीं करा पाए, अरे बस्तियों में पानी क्यों नहीं पहुँचा पाए। अगर बात करें मतगणना स्थल की, तो किस प्रकार से यहाँ पे संतुष्ट हैं आप, जो व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम हैं जो किए गए हैं उससे संतुष्ट हैं पूरे? इंदौर के प्रशासन पूरी अच्छी व्यवस्था करिए, परंतु जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, भोपाल में बैठे हुए, वो गड़बड़ी करा जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2023 में सही फाइनल है, तो कैसे भी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने देखा होगा पंचायत में सरपंच, पंच और यहाँ तक जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत अधिकांश हमारे जीते हैं, परंतु क्यों उसका चिन्ह नहीं होता है, आप घोषणा कर रहे हैं हमारे मिले। अरे तुम कितनी भी घोषणा कर लो, वो जो जीते हैं वो आज नहीं 6 महीने बाद हमारे साथ में रहेंगे, क्यों आप डरा धमका का साथ में ले लोगे? परिवार के साथ में जो रहता है, जिसको परिवार ने जिताया वो हमारे साथ में रहेगा। 2023 के अंदर हमारी सरकार बनना है और मेयर भी 11 से 12 हमारे मेयर बनना है, क्योंकि आप घबरा गए हो, पूरे प्रदेश के अंदर घबरा गए हो, तो 3-3 दिन इंदौर शहर में बढ़ाया, जो मुख्यमंत्री 3 दिन इंदौर शहर में रहे तो समझ जाइए कि उनकी क्या स्थिति होगी। मतगणना स्थल पर CCTV कैमरों को लेकर यहाँ पर एक विवाद छिड़ गया था, जिस पर धरने की भी बात कांग्रेस ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद में CCTV की व्यवस्था कर दी गई है, क्या संतुष्ट हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी? मैं इंदौर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यवस्था करी थी कि भैया हमको कोई गलत काम नहीं करना, हमको बिल्कुल निष्पक्ष कार्य करना है, तो उन्होंने कैमरे भी लगा दिए, डोम भी लगा दिए, CCTV भी लगा दी। उसके बाद भोपाल से आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा दबाव बना के इंदौर में कैमरे कैंसिल किए जा रहे थे, क्योंकि इंदौर एक अध्यय स्थल है, वो इंदौर से ही बोल दी, तो इनके छह इंदौर कैसे करके हम जीत जाए, परंतु इंदौर की जनता ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया और हमारे दबाव बनाने के बाद आप CCTV कैमरे भी चालू हो गए, ARO भी बन गए, क्यों बना दिए, पहले कैंसिल क्यों करें? अरे पूरी व्यवस्था है तो उसको चालू होना चाहिए, परंतु ये लोग चाहते नहीं कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष हो। BJP के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि 1.5 लाख मतों से जो है पुष्पमित्र भार्गव जीत रहे हैं। अरे उनको बोलना नहीं आता है कि कब क्या बोल जाते हैं, उनको तो यही नहीं मालूम, किसी कोई बच्चा बोल जाते हैं, कभी बोलते हैं उसको इंग्लिश नहीं आती, कभी हिंदी नहीं आती, और कभी कभी अपने बेटे के लिए वो अपने पत्रकार को डांट देते हैं। अरे उनको बोलना, आजकल के 60 से ऊपर होगा तो उनको समझ में नहीं आती क्या बोलना, तो वो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप क्या क्या उम्मीदें हैं संजय भैया, क्या उम्मीदें हैं अभी कितने मतों से विजय होने की आप दावा कर रहे हैं? इंदौर का मेरा पूरा परिवार है, मुझे लाखों वोटर जिताया, क्यों पूरे परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है। हमारे तो ये थे हमारे साथ में महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, जिनका कहना है कि कई मतों से वो विजय होंगे। जी बिल्कुल हेमंत शर्मा, तो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, 9 बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। सभी निकायों के परिणामों पर हमारी सटीक नजर है, तो सबसे तेज और सटीक परिणाम हम आपके चैनल में News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे। चलिए हेमंत शर्मा आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अमृतांशी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मतगणना चालू होने में पूरा 1 घंटा बाकी रह गया है और तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि अंदर जो EVM मौजूद है, यहाँ पर जनता का फैसला अंदर EVM में कैद है। मौका इसलिए भी खास है, देखिए यहाँ पर जो अभिकर्ता है वो पहुँचने शुरू हो गए, और सुबह मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 6:30 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि महापौर पार्षद प्रत्याशी का जो फैसला है अंदर EVM में वो कैद है। देखिए मौका ये इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 6 से 7 साल बाद यहाँ पर जो है नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी यहां पर जो है महापौर प्रत्याशी मालती राय BJP की, वो भी अंदर पहुंच चुकी है, और आप देखिए अंदर जाने के लिए सुरक्षा जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा खास है, वो इसलिए क्योंकि 4 चरणों में यहां पर चेकिंग हो रही है। भले भोपाल का मौसम बहुत खुशनुमा रहा है, लेकिन आज शाम तक यहां पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से तेज हो जाएंगी। देखिए एक और खास बात ये भी, आप देखिए यहां पर जो ये मेन गेट है ये अंदर जेल के अंदर जाने का, और अंदर भी 4 चरणों में सेटिंग यहां पर बिठाई हुई है। खास बात यह भी है कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, वो इसलिए क्योंकि अंदर मोबाइल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कुछ भी ले जाना यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी तरीके से प्रतिबंधित है। देखिए आप यहाँ पर जो है अंदर हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास है। देखिए हम अंदर आ चुके हैं और यही वो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है, और आप देखिए यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें हैं। तलाशी क्षेत्र यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ
पर जो है तैयारियां की जा रही है। हम अंदर फिलहाल आ चुके हैं स्ट्रॉन्ग रूम के, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग मौजूद हैं और मीडिया के लिए यहाँ पे अलग से सेंटर इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। देखिए अब यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं। हम जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं यहाँ पर लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा चलिए इमरान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान, क्या कुछ तस्वीरें वहां की दिखाई हमें? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो वार्ड के जो प्रत्याशी है उनका आने का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। मतलब खंडवा का मौसम तो सुहाना है लेकिन सरगर्मियां तेज है क्योंकि जो है अब से कुछ ही देर में जो है मतदान के परिणाम आना शुरू होंगे और जो पार्षद प्रत्याशी और उनके जो अभियंता है वो आने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बस अब से कुछ ही देर में जो है मतदान के रुझान आना शुरू हो जाएंगे और जो रिजल्ट है वो भी करीब 12 से 1 बजे तक के पूर्ण हो सकता है ऐसे माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि किस तरीके से जो पार्षद के जो प्रत्याशी है उन्हों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी गिनती जो है शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल इमरान खान, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए उज्जैन से हमारे साथ प्रदीप मालवीय जुड़े हुए हैं। प्रदीप, उज्जैन में क्या कुछ माहौल, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है, हमें तस्वीरें दिखाइए वहां की। देखिए उज्जैन में जो मतगणना का दौर है लगभग चालू होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, बड़ी बारीकी से सघनता से हर अंदर जाने वाले व्यक्ति की जांच की रही है, चाहे वह अभ्यर्थी हो चाहे वह कर्मचारी हो। यहाँ सुरक्षा के मापदंड पे पूरे खड़े उतरे हुए हैं सभी और अंदर जो है 8 बजे से डाक मत पत्रों की गिनती चालू होगी। यहाँ जो व्यवस्था की गई है 3 हॉल में व्यवस्था की गई है। एक बड़े हॉल में डाक मत पत्र की गिनती 8 बजे से चालू होगी, इसके साथ ही 9 बजे से 2 हॉल में जो मतगणना चालू होगी। अभी अभ्यर्थियों का भी आने की शुरुआत हो गई है लगभग और आप देखेंगे यहाँ सभी मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ अधिकारियों का भी आने का सिलसिला चालू हो गया, उज्जैन कलेक्टर और SP भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही मतगणना लगभग 9 बजे यहाँ शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर उज्जैन में जो 54 वार्ड है उनमें कुल लगभग 160 के जो करीब जो प्रत्याशी हैं। महापौर के जो 2 सीधा मुकाबला है यहाँ कांग्रेस और भाजपा में और आप देखेंगे यहाँ का सुरक्षा को लेकर यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हर अंदर जाने वाले को मतगणना केंद्र में हर जाने वाले व्यक्ति को बड़ी बारीकी से उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल प्रदीप मालविया, हम बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे साथ बुरहानपुर से मौसम तड़वई जुड़ गए। मौसम, क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आ रही है, क्या कुछ हलचल दिख रहा है वहां पे, दिखाइए हमें पूरी तस्वीरें वहां की। जी बिल्कुल, देखिए बुरहानपुर की बात करते हैं, क्षेत्र में जो मतगणना हुई थी उसका आज मतगणना चल रहा है, 9 बजे से इसकी शुरुआत होगी। और हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के, तो 48 टेबल यहाँ पर लगाए गए और 48 टेबल में 6 राउंड में यहाँ पर मतगणना होगी। महापौर और 48 पार्षदों के लिए आज यहाँ पर मतगणना 9 बजे से शुरू हो जाएगी। देखिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम में करीब 600 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और 300 कर्मचारी गणना में शामिल हुए। देखिए कलेक्टर प्रवीण सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, इसलिए लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण सिंह वो लगातार यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं। देखिए हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर 3 घेरों में पुलिस ने नाकाबंदी की है और यहाँ पर जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनके मोबाइलों की सघन जांच की जा रही है और जो भी प्रत्याशी मोबाइल लाता है उनका मोबाइल जब्त किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो मतगणना स्थल है उसके बाहर ही मोबाइल को रखा जा रहा है क्योंकि एक निर्देश आए थे कि मतगणना स्थल तक किसी भी लोगों को। जी बिल्कुल, मौसम तड़ गई हमें, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी दिखाने के लिए। चलिए हेमंत शर्मा के पास वापस लौटते हैं। इंदौर से हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़े हैं, वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमंत शर्मा, देखिए जब काउंटिंग होती है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी या गड़बड़ी करने के आरोप लगते हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह के कैमरे और कोई इंतजाम? देखिए अंदर जाने को लेकर यहाँ पर जो है महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अंदर जाने के लिए जो व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की है वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और अंदर जाने के लिए जो है वो यहाँ पर विवादित स्थिति बनी हुई है। साथ में संजय शुक्ला के जो लोग आए हुए हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमति जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अनुमति अंदर नहीं दी जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो महापौर प्रत्याशी है वो यहाँ पर पुलिस से बहस कर रहे हैं और अंदर जाने को लेकर यहाँ पर
विवाद चल रहा है जी। बिल्कुल हेमंत शर्मा, तो अब से कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और हम आपको लाइव तस्वीरें जो है News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल से दिखाएंगे। चलिए, इंदौर से हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। करण ग्वालियर से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मौसम तलवी बुरहानपुर से प्रदीप मालविया और इमरान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।